स्वाभिमान प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विश्वप्रदत है, केवल उसे पहचानने की जरूरत है। चित्रा सिंह जसोल। 22 सितंबर को पचपद्रा में आयोजित हो रही स्वाभिमान सभा को लेकर सायला पहुंची चित्रा सिंह जसोल, बैठक में दिया सभी को निमंत्रण। सायला से सुखदेव सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। स्वाभिमान केवल एक शब्द नहीं बल्कि यह अपने भीतर एक पूरा व्यक्तित्व लिए हुए है। जिस व्यक्ति का स्वाभिमान जिंदा है, वास्तव में वह जीवित है, बाकी सांस तो सभी ले ही रहे हैं। यह बात भारत के पूर्व विदेश व वित्त मंत्री जसवंत सिंह जसोल की पुत्रवधु व वर्तमान शिव विधायक मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह जसोल ने सायला में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कही। 22 सितंबर को पचपद्रा में आयोजित होने वाली बहुप्रतीक्षित स्वाभिमान सभा की पूर्व तैयारियों को लेकर सायला में गुरुवार को आम बैठक चित्रा सिंह जसोल के मुख्य आतिथ्य में रखी गई, जिसमें उपस्थित क्षेत्र भर के लोगों को संबोधित करते हुए जसोल ने कहा कि यह स्वाभिमान सभा किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं होकर उन सभी वर्गों, समाजों व प्रत्येक उस व्यक्ति की लड़ाई है जो वर्तमान अहंकारी सत्ता से प्रताड़ित है। इसीलिए हम सभी को मिलकर अन्याय के विरुद्ध सैद्धांतिक लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि यह स्वाभिमान की लड़ाई है एक पूरे ऐसे तंत्र के विरुद्ध जिसने लगातार आमजन के विरुद्ध फैसले लेकर हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। अब ऐसे लोगों से डरकर मुकाबला करने का सही समय आ गया है। इसीलिए आप सभी 22 सितंबर को पचपद्रा अवश्य पहुंचे तथा स्वाभिमान सभा को सफल बनावे। कोसाना सरपंच प्रबत सिंह बालावत ने कहा कि सायला क्षेत्र से सभी समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पचपद्रा रैली में पहुंचना है, ताकि सत्ता के लोगों तक एक कड़ा संदेश पहुंचे। बैठक को मंदिर सिंह सिराना, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुल्तान खान खाटी, युका जिलाध्यक्ष बन्ने सिंह कोसाना, जेतमाल सिंह सोढ़ा, शिवसेना जिला प्रमुख वर्द सिंह वालेरा समेत अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस मौके नाथ सिंह देता, भीम सिंह बावत्रा, हाजी सरदार खान देता, कला सरपंच अजीत सिंह राठौर, भोपाल सिंह देता, युका जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बावत्रा, भेरू सिंह गुंडी, अर्जुन सिंह जीवाना, भंवर सिंह आकवा, उत्तम सिंह जीवाना, खेतलावास पूर्व सरपंच हाजाराम चौधरी, शैतान सिंह खिलवाड़, लक्ष्मण सिंह चैराव, ईश्वर सिंह दूधव, नारायण सिंह दहीवा, नरेंद्र सिंह बोरवाडा सहित अन्य उपस्थित थे। जो मातृ उत्तराखंड जीवन जान आज भी जो प्रजातंत्र में इन लोकतंत्र में जो आप वोट दे रहा हाँ नेताओं ने जीता हुआ, लेकिन अपन सुनने वालों कोई नहीं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी। आज सरकारी कर्मचारी भी बहुत तकलीफ आ रही है, और युवा वर्ग में तो कोई दिशा नहीं है, पढ़िया लिखा युवा बेरोजगार घूम गया। तो आज सभा इन वास्ते कि सब में स्वाभिमान में जीवो आवे, कोई संख्या में और नरेंद्र जीवो पसंद नहीं। आज अगर अपन दब दिया, राजनेताओं के दबाव में दब दिया, तो हमारे मीडिया का आपको कैसे और आप धरती पे जन्म जो राजस्थान की धरती जीवन में हमारे दुर्गादास राठौर होया, महाराणा प्रताप और हमारे पृथ्वीराज चौहान, तो आपने वालों पर चिन्ह पर डालो है, अपने स्वाभिमान ने कायम रखो है, क्योंकि आज ये समय में अगर अपना स्वाभिमान बिराड़ी हो और स्वाभिमान में जीनो आप नहीं समझा ना, आप कोई नीचे दबन जीवन ला तो कोई आप कुछ नहीं करेगा। आप अगर अपने मातों ऊँचो रात स्वाभिमान में जीवन ला तो सब आप दबे, क्योंकि वोट तो आप लोग देव, आप देवा वोट, नेता आप बनावा, मुख्यमंत्री आप बनावा, वे अपने कर्माऊ नहीं बढ़े, तो फिर डरने की बात है। इन वास्ते मैं निवेदन करूं कि आपने ताकत दिखानी है, ताकत कही थी एकता की ताकत, जो एकता अपन दिखावा ला तो सब अपन नीचे। तो आप सब ने मैं आज जो निवेदन करूं कि 22 तारीख में आप सब ने 15 पदार्डो है और आज सभा 36 कोमरी सभा, स्वाभिमान जी कोई जाति नहीं हो गए, स्वाभिमान की कोई उम्र नहीं हो गए, हर उम्र लोग बच्चा में भी स्वाभिमान हो सके और बुजुर्ग में युवा में सब में स्वाभिमान हो। लेकिन स्वाभिमान में अपने दबावनो नहीं है, स्वाभिमान में अपने दिखावनो है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँचाला तो है ऊपर बैठे वाला नेता ने पता चलेगा कि आप में स्वाभिमान जो जाने राजस्थान धरती का जो अजय तक स्वाभिमान में है और स्वाभिमान में जीवेला और स्वाभिमान ही आपा लोकतंत्र की लड़ाई लड़ा।
आगे चुनाव आएगी, आप सबने जान है, आज आप आवाज नहीं उठावाला तो फिर वेरा वे 5 साल फिर आपको भुगतना। तो मैं तो आपने निवेदन करूं कि आप ये आवाज पहुंचाएगी ऊपर तक तो आपने ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटे 5-15 पहुंच का। धन्यवाद। लोकतंत्र है ये हिंदुस्तान हमारा, लोकतंत्र में अपने कोई साथ अन्याय होता है किसी के साथ उसको कहने के लिए हमको लोकतंत्र, हम इसलिए लोकतंत्र में हमारा देश आजाद इसलिए, हमको कहने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है। आज जसवंत सिंह जी जसों के साथ क्या घटना घटी है ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे कई लोगों के साथ घटी है वो उनका अलग मन का मामला है, लेकिन मुझे इस